नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HPN न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। चीन से हिंसक झड़प के बाद खुफिया एजेंसियों के रडार पर 52 चाइनीज ऐप। झड़प के बाद अलर्ट पर तीनों सेनाएं, नौसेना ने बढ़ाई तैनाती, LEC पर अतिरिक्त जवान। न्यूजीलैंड के ओकलैंड से 116 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान कल रात चंडीगढ़ पहुंचा। महंगाई की मार, 12 दिन में पेट्रोल 6.55 रुपए और डीजल 76 के पार। दुबई में फंसे 189 भारतीयों को लेकर कल रात विशेष विमान रांची पहुंचा। बीजेपी नेता सुरेंद्र बरवाला के बेटे पर रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। US ने कहा, हम मिलकर दुनिया में अमन बहाली का काम करेंगे। प्रयागराज के ITBP के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव, पिछले हफ्ते ही दिल्ली से आए थे। चीन में उइगर मुसलमानों और तिब्बतियों की ट्रेनिंग, 70 करोड़ लोगों का DNA टेस्ट हो रहा ताकि सबसे बड़ा जेनेटिक मैप बन सके। दिल्ली के NIA में 4 महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, पहले ही हो चुके हैं 8 केस। US आर्मी के रिटायर्ड कर्नल ने जय हिंद का नारा लगाया, कहा भारतीय सेना ने चीनी सेना को ऐसा सबक सिखाया कि वो भुला नहीं पाएगी। रोहतक में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.1 दर्ज की गई तीव्रता। WHO ने कहा, शुरुआती 2 महीने में 85,000 और बाद के 2 महीनों में 60 लाख मामले सामने आए। अब तक कोरोना से 83.1 लाख संक्रमित। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू। सलमान खान की वॉन्टेड मूवी की एक्ट्रेस का दावा, मुझे वर्क प्लेस पर परेशान किया गया। चीन को जवाब देने की तैयारी, PM मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पाकिस्तान के मंत्री ने अपने ही लोगों को जाहिल कहा, बोली दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा अनपढ़ और किसी देश में नहीं होंगे। अली फजल की मां का हुआ निधन, एक्टर ने कहा कि यही तक का था साथ। न्यूयॉर्क गवर्नर ने US ओपन को मंजूरी दी। 12 जून से TV सीरियल्स की शूटिंग शुरू। कोरोना के बीच बगैर दर्शकों के घरेलू मैदान पर उतरी बार्सिलोना, मैसी फाती के गोल की बदौलत लेगानस को हराया। त्रिपुरा में U19 महिला क्रिकेटर अयंती रियांग ने फांसी लगा कर की खुदकुशी, सुसाइड नोट भी नहीं मिला। 3 महीने में ई स्पोर्ट्स पर सट्टेबाजी 40 गुना तक बढ़ी, इस साल रेवेन्यू 1 लाख करोड़ हो सकता है। केंद्र सरकार ने BSNL से कहा कि 4G अपग्रेड सिस्टम के लिए चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। एक डे नाइट टेस्ट खेल चुके रोहित शर्मा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल मैच काफी चैलेंजिंग होगा।